अश्लील, मैंने आपको मेरे बारे में कहते हुए सुना है, इसको इतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया, तो फिर ये दोगलापन क्या है? This is awkward. मतलब दूसरों का दोगलापन निकालने वाले का आज खुद दोगलापन निकल गया, वो भी फट के नेशनल टेलीविजन पे। मैं तेरा दोगलापन ना उतारता हूँ अब। इन शॉर्ट, भाई जान ने भैया जी की कह के ले ली। सच्ची बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि सलमान जी भरे पड़े हैं कि ये किसी दिन मेरे को मिले और मैं इसकी बचाऊं। अच्छा आप हो अश्लील, मेरी तो आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई है, आप रॉन्ग इंप्रेशन मत दीजिए ना मेरा। आपका एटीट्यूड और स्वैग तब तो बहुत अलग था, टीवी पे दिखने के लिए बड़ा चढ़ा के मत बोला करिए बातें। कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस में। और पता नहीं क्या क्या बोला है सलमान खान जी ने। ऑल माय अश्लील स्टैंडिंग देयर लाइक अ डम्बो। सॉरी सर, सॉरी, वो गलती से हो गया, आगे से नहीं करूंगा, वो इंटेंशन नहीं था। गजब बेइज्जती है। मैं तो कह रहा हूँ शुक्र है कि अश्लील ने ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, वरना आगे एक वेट स्पॉट दिख ही जाता। बट ब्रो, फ्रॉम अ शार्क टैंक जज टू अ रोडीज का स्पेशल गेस्ट टू अ बिग बॉस लाफिंग स्टॉक, द डाउनफॉल इज रियल। सर वो मे बी इन द पॉडकास्ट इट डिड नॉट कम अक्रॉस करेक्ट, लेकिन जैसे ये है, हां जी, ये बराबर आ रहा है, ये अच्छी बात है, सीख रहे हैं और घंटा सीख रहे हैं। आप बस ट्विटर पे जाके बातें घुमा रहे हैं हमेशा की तरह, एज इफ कोई अचीवमेंट हासिल करके आए हो। लेकिन बेचारे अश्लील जी घर जाते जाते ना खुद से ही सवाल कर रहे होंगे कि भाई क्या कर रहा है तू, भाई क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? After all, सलमान भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? But as they say, फटे तो फटे, नवा भी ना घटे, अपना एटीट्यूड तकना चूर करवाने के बाद अश्लील जी ने मारे एक यूटर्न और वो घर के अंदर गए टास्क करवाने, वो भी फुल चौड़ में। रजत तो बस ऐसे ही बदाम है यूटर्न लेने के लिए, लाइफ में असली यूटर्न तो अश्लील जी लेते हैं। वैसे स्पीकिंग ऑफ रजत, घर में गया था तो सब बोल रहे थे क्रिमिनल, सोचा था लड़ाई करेगा लाइक एन एनिमल, राशन में नहीं मिल रही है दाल और रोटी सूखी, रजत दलाल अब ऑफिशियली बन चुका है पूकी। तू यहाँ रहेगा ना तो सोच के रहेगा कि कुछ हो गया है और तू बहुत कुछ खो गया है। सॉरी, ये तो गलती से रियलिटी वाला क्लिप प्ले हो गया इंस्टेड ऑफ द इमेज व्हाइट वॉश करने वाला क्लिप, सो दोबारा से करते हैं। शायरियां मार रहे होंगे, अच्छे से टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, अपनी सारी ड्यूटीज कर रहे होंगे, बट सडनली इनको करंट लगेगा एंड ही डज समथिंग लाइक दिस। अविनाश और रजत की होती है हर हफ्ते लड़ाई, बात बढ़ जाती है आगे और हो जाती है हाथापाई। किसी दिन इस चक्कर में टूट ना जाए बिग बॉस के घर का शीशा। अरे नीचे भी कोई देख लो, गिरी पड़ी है ईशा। लेकिन सच्ची यार, ये रजत इतने यूटर्न लेता ना कि अब तो बिग बॉस भी इसको यूटर्न स्पेशलिस्ट बोलने लग गए। और तो वो अलग बात है कि इस सीजन तो बिग बॉस पता नहीं खुद भी क्या ही कर रहे हैं, जो चार लोग पहले सेफ हो गए हैं वही सेफ होंगे, बाकियों को सेफ होने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि तजिंदर और अरफीन जी पूरे दिन सो रहे थे तो वो इस टास्क में भी सोएंगे और हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि टास्क में पकड़ने वाला टाइम गॉड का डंडा टूट गया है, इसलिए कोई भी टाइम गॉड नहीं बनेगा और हमारा लाडला ही टाइम गॉड रहेगा कुछ भी। और कभी इनके हफ्तों हफ्तों तक टास्क ही नहीं होते, तो कभी ये पूरा हफ्ता पागलों की तरह टास्क खेलने में ही निकाल देते हैं। नाउ कमिंग बैक टू रजत, जो किसी की नहीं सुनता, इनफैक्ट उल्टा ही सुना देता है। मतलब एकता कपूर से लेके अश्लील ग्रोवर तक, रवि किशन से लेके स्वयं बिग बॉस तक, रजत सबको उल्टा जवाब देता है। मुझे सीरियसली लगता है किसी दिन बिग बॉस की आंख भी फोड़ देगा। साइड नोट, ये एकता कपूर जी क्यों ज्ञानी बन रही थी वीकेंड का वार पे? किसी की माँ को गाली कैसे दे सकते, गुस्से में चार थी। नहीं, गुस्से में तो आपकी इज्जत चली जाती है। आपने अगर आज मेरे पिता का नाम भी लिया होता, मैं घर के अंदर आती आपको समझाने और सिखाने क्या मतलब होता उसका। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप घंटा भर विमल की चाटने, सॉरी घंटा भर विमेन एम्पावरमेंट की बातें करने के बाद अविनाश को शर्ट उतार के नाचने को क्यों बोल रही थी मैडम? क्या बोला तूने? या क्योंकि मेल ऑब्जेक्टिफिकेशन, वो क्या होता है पता है, इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है जब रजत इन्हें उल्टे जवाब देता है। बट डू यू नो, रजत की भी बोलती कौन बंद करा सकता है? मैथमेटिकली चैलेंज, चार का टेबल ना जानने वाली विवियन डिसेना की कॉफी की दुश्मन, पॉटी की मल्लिका चाहत पांडे, जो रजत को नेशनल टेलीविजन पे डरा चुकी है पीछे से आके भोक करके। तुम्हारे भी बुरे कर्म ही होंगे जब तुम ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे। प्यार से बात करोगे डबल प्यार मिलेगा, नफरत दोगे कर दोगे। माँ की आंख कर दूंगी भैंस की पूछ, यार कोई इस लड़की को ढंग के कमबैक सिखाओ यार। ये पीक गुस्से में आज भी माँ की आंख, भैंस की आंख, भैंस की पूछ, छुछुंदर और बंदर जैसी चीजें यूज करती है यार। बट ऑन दी अदर हैंड वी हैव कशिश, जिसके लिए रजत खुद बोल चुका है कि भाई कशिश से तो मुझे डर लगता है, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, कशिश इज अ बैडी जो विवियन से लेकर रजत तक सबकी बैंड बजा देती है, और जैसे इसके लक्षण लग रहे हैं आई एम प्रीटी श्योर ये किसी दिन सलमान खान से भी लड़ लेगी। एवरी डॉग हैज इट्स डे। You are waiting for yours. I am the one, no one, your son don't need a gun.
सच बता रहा हूँ, इन कंटेस्टेंट्स को तो शुक्र मनाना चाहिए कि कशिश अपने स्प्लिट्सविला वाले रूप में नहीं आई है अभी, वरना इन लोगों को ना वॉलंटरी एक्सिट मांगनी पड़ जाएगी। बात तो सही है। अभी तो बस ये शिल्पा जी के साथ बैठ के बंदे तार रही है, लेकिन वी ऑल नो के बंदे फाड़ भी सकती है। Honestly, I तो like कशिश एंड रजत these days। एक शिल्पा जी के double standards उतार रहा है और एक विवियन जी की entitlement उतार रही है। Coffee गई किसकी वजह से? Coffee। And I don't care। What do you mean by you don't care? ये किसी और के सामने करो विवियन जी से ना। वो तो बिग बॉस वाले कशिश को दिखाते कम है, वरना उसके clap backs तो हमेशा सैवेज होते हैं। Insecurity की बू आती है। बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम है, अच्छी बात है अगर उसको इनसिक्योर बोल रहे हो तो। नहीं, नॉट अ गुड क्लैप बैक, मजा नहीं आया। 4/10। कट नहीं बोला किसी ने आपको? ये क्या कर रहा है? सी नाउ दैट्स अ गुड क्लैप बैक, 10/10। मुझे सीरियसली लगता है कि इन्हें कशिश, श्रुतिका, चोम जैसे लोगों को ज्यादा दिखाना चाहिए, बिकॉज़ दे आर मोर फन। करण का बात, गोरे का पाद। अनलाइक ये चैनल के चार लाडले जो बस पूरे दिन बैठ के बिचिंग करते हैं। तो मेरे दिमाग में जो एक इमेज थी चुड़ैल की, कुछ ऐसी दिखती थी, आज मेरा चेहरा देख लिया। इन दीदी जी को बड़ा मजा आता है दूसरों की गॉसिप करने में और दूसरों के पतियों को चाहत के साथ लिंक करने में, लेकिन अगर इनको मजाक में भी करणवीर ने अविनाश के नाम से छेड़ दिया था तो इनको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। नहीं, कोई नहीं बोलेगा कि शी इज ऑब्सेस्ड विद करणवीर। करण को लग रहा है कि वो बहुत है। Actually, भाई इतने तो बग्गा जी चाय से ऑब्सेस्ड नहीं है जितने चुगली गैंग के मेंबर्स ऑब्सेस्ड है करणवीर से। कोई नहीं, आप लोग रहिए अपने डेलुनू में और चलाइए अपनी रेलगाड़ी छुक छुक छुक। सच्ची मेरे को ये बोलते हुए इतना क्रिंज फील हो रहा है, लेकिन इन चार सो कॉल्ड मैच्योर एडल्ट्स को इस चीज पे नाचते हुए क्रिंज फील नहीं हुआ था। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इस सब के अलावा ऑनेस्टली द सीजन इज स्टिल प्रीटी बोरिंग। मतलब रवि किशन जी वाले सेगमेंट से लेके स्पेशल गेस्ट्स तक नथिंग इज एंटरटेनिंग। इनफैक्ट इट्स बॉर्डरलाइन क्रिंज। आई थिंक इन्हीं सस्ते ढिंचक पूजा लेवल के गेस्ट्स की वजह से ना सलमान खान जी का खुद मन नहीं होता वीकेंड का वार पे आने का। और क्यों करेगा मन ऐसे शो में आने का जहां वाइल्ड कार्ड सब फैंस वाले नहीं, ओनली फैंस वाले आ रहे हो। कांट बिलीव के एक बंदी ने प्रोमो में बोला, मैं सबकी प्यास बुझाती हूँ, क्यों बहन पानी की बॉटल्स बेचती हो? अब तो सीजन का हाल इतना बुरा हो गया कि बिग बॉस खुद कंफ्यूज हो गए हैं। ट्विटर पे ऑडियंस बोलती है कि राशन पे लड़ाइयां ज्यादा हो रही है, तो ये पूरा राशन वाला कॉन्सेप्ट ही हटा देते हैं। लोग बोलते हैं इस सीजन टास्क नहीं हो रहे, तो ये टास्क ही टास्क करवाने लग जाते हैं। लोग बोलते हैं शो में कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें नहीं हो रही है, तो ये सब करने पे आ जाते हैं। अरे भाई, वो लड़ाई में दिग्विजय और अविनाश का ऑलमोस्ट एक दूसरे को चुम्मा देना कम था जो ये बिग बॉस को दूसरा स्प्लिट्सविला बना रहे हो तुम। इनफैक्ट जस्ट लाइक दिस वन, इस सीजन की तो लड़ाइयां भी फोर्स्ड लग रही हैं, और वो भी सिर्फ कुछ लोग तब कर रहे हैं जब वो नॉमिनेटेड होते हैं। ओह माय गॉड, एवरीथिंग सारा, नो नो लेकिन इन्हें इतना कुछ करने के बाद भी कुछ खास नहीं बोला जाता। जस्ट लाइक विवियन, जिनके लोगों को लो स्टैंडर्ड बोलने पे, जूनियर आर्टिस्ट बोलने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हाँ, दिग्विजय अगर सही तरीके से अपना टास्क भी खेल ले तो वो फुटेज के लिए डेस्परेट है। राइट बिग बॉस। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? So again, let me end this video with a shayari. Vivian को नहीं चाहिए बिग बॉस की ट्रॉफी। Mr. Desena काफी खुश है with this coffee. बग्गा जी का सारा ध्यान है on Sara and चाय। अविनाश को बोलो जाके ईशा से अपनी नैपी चेंज कराए। अब समझ नहीं आ रहे हैं बिग बॉस वालों के समीकरण। As far as I can see, जीतेगा तो बस करण। Still better than a lot of शायरीज जो ये लोग करते हैं। चाय के बिना बग्गा रहता है भटकता। वाह वाह। सीजन आया खत्म होने, अब तो टीवी पे दिख जा। भाई साहब, आप जाके करिए अपनी साइकिल, यहाँ बैठ के मत करिए वाइब किल। तू चुप कर। So guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। Also, एंड में मैं एक शायरी मारू, सच आप खुद ही लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। I will see you next time with a new video. Bye bye. सच्ची, I am so done with शायरीज।